हाय स्टूडेंट्स, सो कैसे हो आप, है ना। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम, आप पीछे देख रहे होंगे कि कुछ, मैं झाड़ के आगे खड़ी हूँ, है ना। तो आपने झाड़ तो देखे ही है, है ना। तो देखिए, मेरे हाथ में कुछ पिक्चर्स हैं, तो आप इसे पहचान सकते हैं क्या? दिख रहा है ये किसका है? एप्पल, है ना। नेक्स्ट भी एप्पल ही दिख रहा है। चलो चलिए देखते हैं नेक्स्ट किसका है, है ना। क्या है? बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, जो क्या खा रहे हैं, दिख रहा है आपको क्या खा रहे हैं? ये मैंगो खा रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? वाटरमेलन दिख रहा है। वाटरमेलन कटिंग वाला वाटरमेलन है। तो ये वाटरमेलन जो हम फ्रूट्स खाते हैं, है ना, किससे आते हैं? प्लांट से आते हैं, करेक्ट। अगर ये अच्छे से देखोगे आप तो क्या हो रहा है, जब हम ये वाटरमेलन जो है कट करते, है ना, वाटरमेलन जो है कट करते, तो उसके अंदर देखिए क्या दिख रहा है? सीड्स दिख रहे हैं, सीड्स, ब्लैकिश कलर की सीड। जैसे ये एप्पल है ना, एप्पल के अंदर भी देखिए क्या होता है? सीड होता है, ओके। और जो मैंगो है, मैंगो खाने के बाद क्या बचता है? उसमें एक बड़ी सी सीड होती है जो हम फेंक देते हैं, है ना। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है ग्रोविंग प्लांट्स। क्या नाम है? ग्रोविंग प्लांट्स। तो ये आप जो भी फ्रूट्स है ना, वो किससे आते हैं? प्लांट्स से आते हैं। तो आपको पता है प्लांट्स हमेशा बहुत ही ज़रूरी है, प्लांट फॉर सर्वाइव, है ना। इट इज़ वेरी 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 इसेंशियल टू सर्वाइव ह्यूमन बींग, एनिमल्स एंड एवरीथिंग। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा प्लांट्स लगाना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी केयर भी लेनी चाहिए, है ना। तो देखिए, ये जो है वाटरमेलन, तो हम अभी चलेंगे इस वाटरमेलन के, ये जो वाटरमेलन दिख रहा है आपको, इस वाटरमेलन में हमें क्या दिख रहा है? छोटे छोटे सीड्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो आज इस ग्रोविंग प्लांट का सब टॉपिक है सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो ये जो वाटरमेलन का जो प्लांट है वो कैसे होता है, वो हम अभी देखेंगे। तो इस वाटरमेलन का जो प्लांट है वो देखिए ऐसा होता है, है ना, आपको दिख रहा है ये जो है वाटरमेलन का जो है ना प्लांट है। और नेक्स्ट देखिए, ये भी, ये जो आपको दिख रहा है ये भी वाटरमेलन का प्लांट है। तो ये वाटरमेलन का प्लांट कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो सीड है, ये सीड यहाँ पर गिरी होंगी तभी वो आया, है ना। तो ऐसे कुछ जो सीड है, वो सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम जो सीड है वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, तो उस सब की हमें स्टडी करना है, तो हम अभी देखेंगे। तो देखिए, मेरे हाथ में कुछ सीड्स है, है ना। आप पहचान सकते हैं कि इसे कौन से, कौन सा है ये सीड, है ना। हमारे स्कूल जो है, हमारे स्कूल में एक झाड़ है, जैसे आप पीछे देख रहे हो, है ना, पोनगेम ऑयल ट्री। इस ट्री का नाम क्या है? पोनगेम ऑयल ट्री, जो हमें जापान मराठीत काय म्हणतो याला, करंजीचं झाड, काय म्हणतो? करंजीचं झाड। तर या ज्या बिया आहे, ज्या तुम्हाला दिसत आहे, त्या ज्या बिया आहे हे या झाड, म्हणजे या बिया जेव्हा आपण लावल्या तेव्हा हे झाड वरती आला, है ना। तर आपण याचं स्ट्रक्चर बघणार आहोत, ओके, काय बघ, तर बघा, हे जे आहे करंजीचं झाड आहे, है ना। या ज्या सीड, आपण जेव्हा सीड इथे लावल्या तेव्हा हे करंजीचं झाड आपल्याला आत्ता दिसत आहे। खूप वर्ष लागले असेल याला मोठे व्हायला, है ना, म्हणून आपण आपली शाळा आणि आपण नेहमी झाडांची केअर करतो। तर बघा, आपण स्ट्रक्चर ऑफ सीड बघणार आहोत, कशाचं आहे हे? करंजीचं झाड आहे, पोनगेम ऑइल ट्री, याचं नाव काय? पोनगेम ऑइल ट्री, ठीक आहे। स्ट्रक्चर बघणार आहो, तर बघा, हे जे आउटर कवर आहे, है ना, आपण काय बघत आहोत? स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तर स्ट्रक्चर ऑफ सीडमध्ये दोन पार्ट आहे, पहिला पार्ट आणि दुसरा पार्ट। तर पहिला पार्ट आहे ही सीड, ठीक आहे, ही सीड दिसत आहे तुम्हाला। आता सीडमध्ये बघा, हा जो आउटर पार्ट आहे, ठीक आहे, थिक कवर ऑफ आउटर सीड, हे दिसत आहे ना, आपण याला फोडलं आहे का? नाही फोडलं आहे। तर याला म्हणणार आहोत आपण सीड कोट। काय म्हणणार आहोत? सीड कोट। आता कोट म्हणजे कसं लक्षात ठेवायचं? तुम्ही बघितलं असेल, तुम्ही एखाद्या लग्नात वगैरे गेले तर नवरदेव काय घालून असतो? कोट घालून असतो जनरली, है ना। तर आपण त्याला ब्लेझर वगैरे वगैरे म्हणत असतो, तर तो असते कोट। मग ह्या सीडला कोणीतरी कवर केलं आहे ना, आता नवरदेव कशासाठी घालतो? एकदम छान, एकदम सुशिक्षित आणि एकदम वेल प्रोफेशनल दिसायसाठी की नाही, आणि खूप छान दिसायसाठी की नाही। तर तशाच प्रमाणे या सीडला कवर केलं आहे, कोणी कवर केलं आहे? कोटने कवर केलं आहे, म्हणून आपण याला म्हणणार आहोत सीड कोट। तर या सीडचा सेकंड पार्ट आहे जो याच्या आतमध्ये राहणार आहे, तर ते आपण आता बघूया। तो देखेंगे इसको फोडने के बाद क्या होता है,
है ना, जर आपण याला फोडलं तर काय होतं, है ना, दिसत आहे तुम्हाला हा जो आउटर पार्ट आहे याला काय म्हणणार आहोत आपण, सीड कोट। हा जो आउटर पार्ट होता याला काय म्हणणार आहोत, सीड कोट। मग फोडल्यानंतर जे आहे अशी बी निघते, ठीक आहे, ही बी दिसत आहे तुम्हाला, याला म्हणणार आहोत आपण सीड, ओके। आणि या सीडला जर आपण वेगळं पार्ट केलं, ठीक आहे, वेगळं पार्ट जर केलं तर बघा दोन पार्ट दिसत आहे तुम्हाला, ओके। तर बघा फोडल्यानंतर आपल्याला दोन पार्ट दिसत आहे, ठीक आहे। हा जो व्हाईटिश येलोइश कलरचा पार्ट दिसत आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत कॉटिलिडॉन। काय म्हणणार आहोत, हा जो येलोइश कलरचा पार्ट आहे त्याला म्हणणार आहोत कॉटिलिडॉन। आता कॉटिलिडॉनमध्ये बघा हा जो पार्ट दिसत आहे, है ना, हा जो पार्ट दिसत आहे हे बघा, इथे जर क्लोज केलं तर इथे एक छिद्र असते, है ना, त्या छिद्राला आपण टायनी होल म्हणतो। आणि त्याच्या साईडला जी जागा दिसत आहे त्या जागेला म्हणणार आहोत स्कार्स। काय म्हणणार आहोत, स्कार। फोडल्यानंतर जे पार्ट आहे त्याला काय म्हणणार आहोत आपण, कॉटिलिडॉन। काय म्हणणार आहोत आपण, कॉटिलिडॉन। जे येलोइश कलरचे पार्ट दिसत आहे त्याला कॉटिलिडॉन म्हणणार आहोत। त्यानंतर हा जो पार्ट आहे, ठीक आहे, त्याला आपण म्हणणार आहोत एम्ब्रियो। एम्ब्रियोला सेकंड नेम आहे बेबी प्लांट। काय म्हणणार आहोत, बेबी प्लांट। आता ते होल कशासाठी असते, की जिथनं जेव्हा आपण सीड जमिनीमध्ये लावतो ते जमिनीत जेव्हा आपण पाणी टाकतो, है ना, पाणी आतमध्ये जा गेलं पाहिजे त्यासाठी ते काय असते, होल असते, त्याला आपण काय म्हणतो, एम्ब्रियो। एम्ब्रियोला सेकंड नेम आहे बेबी प्लांट, है ना। आता या बेबी प्लांटमध्ये पुन्हा दोन आहे, एक रूटमध्ये जातो आणि एक वरती येतो। तर जे रूटमध्ये जातो ना, जे रूटमध्ये जातो त्याला म्हणतो बेबी रूट। काय म्हणतो, बेबी रूट। त्या बेबी रूटला सेकंड नेम आहे रॅडिकल। काय आहे, रॅडिकल। आणि जो अप्पर पार्ट आहे जो वरती असतो त्याला म्हणत असतो आपण बेबी शूट। काय म्हणत असतो, बेबी शूट। बेबी शूटला सेकंड नेम काय आहे, प्ल्यूमूल। काय आहे, प्ल्यूमूल, है ना। तर हे आहे स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ओके। तो आपको पता है जितने हम जैसे हम खेतों में जाते हैं तो सारे के सारे सीड जब लगाते तो पूरे सीड्स आते हैं क्या, नहीं आते, है ना। क्यों नहीं आते, कभी कभी जो हम सीड लगाते वो कभी कभी एनिमल्स खा लेते हैं, है ना। कभी कभी उसको अच्छे से पानी नहीं मिल पाता, हवा नहीं मिल पाती, तब भी वो ख़राब हो जाते, डिस्ट्रॉय हो जाते। और कभी कभी जो है तूफान आ जाता है ना, विंड और एयर सफिशेंटली मीन्स जो प्रॉपर चाहिए तो वो मिलता नहीं है, इसलिए वो कभी कभी जो सीड है वो डिस्ट्रॉय हो जाते, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो देखिए जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, जब भी हम कोई सीड लगाते हैं, ठीक है, उस सीड का जो कन्वर्शन है वो प्लांट में हो जाते हैं, है ना। तो डायरेक्ट हमें बड़ा प्लांट दिखता है क्या, नहीं, पहले वो छोटा रहता है उसके बाद वो बड़ा बड़ा होते जाता है, है ना। तो उसे कहते हैं जर्मिनेशन, मीन्स द प्रोसेस दैट व्हेन वी पुट अ सीड इन अ सॉइल, सो फ्रॉम दैट प्रोसेस टू यंग प्लांट, जो उसका कन्वर्शन है यंग प्लांट तक जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं हम जर्मिनेशन। तो यहाँ पे देखिए जो है ना, यहाँ पर सीड जो मैंने डाले हैं, ओके, कुछ दिन पहले यहाँ पर सीड्स डाले थे, तो इसका जो कन्वर्शन है कैसे होता है, उसको अच्छे से एयर मिली, वाटर मिला, है ना, उतनी हमें केयर लेनी पड़ती है। जो हमें प्लांट लगाते हम प्लांट बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्लांट की केयर करनी है, तो उसके लिए एग्जैक्टली सनलाइट, वाटर और जो सॉइल है वो अच्छे से होना चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ दिन पहले क्या लगाए थे, कुछ सीड्स लगाए थे, तो उसका जो कन्वर्शन है यंग प्लांट में हुआ। तो यंग प्लांट देखिए कैसे होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं यंग प्लांट। मतलब ये कोई बड़ा प्लांट नहीं है, ये यंग प्लांट है, इसे भी हम क्या कहते हैं, यंग प्लांट। मीन्स क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, है ना, क्या हुआ, जर्मिनेशन ऑफ सीड। दिस इज द ऑल यंग प्लांट्स ऑफ द सीड। दिस इज द यंग प्लांट ऑफ सीड, ओके। सो इसका जो इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं कुछ कंसेप्ट है ना, वही कंसेप्ट है, लेकिन हम LED पे क्या करेंगे, अच्छे से ये करेंगे। ग्रोविंग प्लांट्स, हमारे टॉपिक का नाम क्या था, ग्रोविंग प्लांट्स। सो प्लांट्स, इट इज़ वेरी इसेंशियल, फूड टू ईट, मेडिसिन टू क्योर, एंड इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फाइबर्स टू क्लॉट, ओके। तो देखिए इस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ग्रीन फ्रेंड। क्या कहते हैं, ग्रीन फ्रेंड।
प्लांट्स अवर ग्रीन फ्रेंड। ग्रीन फ्रेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर एक जो प्लांट्स है ऑलमोस्ट प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। ओके तो जो मतलब हर चीज़ जो है, जैसे कॉटन है, ग्रेन्स है, पर्सेस है, ऐसे सारे जो चीज़ें हैं हमें प्लांट्स से मिलती हैं, है ना, इसलिए हम इसे ग्रीन फ्रेंड भी कहा जाता है ना। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई दोस्त ना हो तो पेड़ को हमें क्या बनाना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए। ना वो झगड़ता है, ना वो हमसे लड़ता है, और सिर्फ सुनता है, और सिर्फ उसको देना आता है। वो क्या देता है हमें, फ्रूट्स देते हैं, छाया देते हैं, है ना, ऐसे हर बातें वो देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा दोस्त कौन है, पेड़ है। तो चलिए देखते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें प्लांट से मिलती है, इसलिए हमें ग्रीन फ्रेंड भी हम प्लांट को कहते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए इसका जो रूट सीड जो है ना, सीड का रूट, सीड का स्टेम किसे कहा जाता है, सो दिस इज द स्टेम। ये जो ऊपर का है वो स्टेम है, रूट्स, रूट्स पता है आपको, इस तरह के रूट्स होते हैं ये सीड, और ऊपर के क्या रहते हैं, लीव्स, है ना। दिस थ्री पार्ट्स आर मेन पार्ट। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, है ना, हमने अभी देखे थे कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, जो आउटर पार्ट है उसे क्या कहते हैं और इनर पार्ट को क्या कहते हैं, वो हम फिर से एक बार देखेंगे। सीड कोट क्या कहते हैं, सीड कोट, जो हमारा आउटर पार्ट है उसे क्या कहते हैं, सीड कोट, द थिक लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड एज सीड कोट। और मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल भी दिया था आपको कैसे याद रखना है इसे। और ये देखिए, ये जो आपको ब्लैकिश कलर का जो शेप दिख रहा है उसे कहते हैं स्कार, यस सी ए आर, स्कार की स्पेलिंग, यस सी ए आर। इस स्कार के पास एक छोटा सा छेद होता है, वो छेद किस लिए होता है, ताकि जब हम ज़मीन में पानी डालते हैं तो वो पानी इस छेद के अंदर से वो सीड में जाता है, और वो जो सीड है वो अच्छे से फूलता है, उसके अच्छे से ग्रोथ होती है। इसलिए वो जो है, जो छेद होता है, जो टाइनी होल होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ना। नाउ द से, जब हम ये खोलते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ सीड इज कॉटिलीडन। जब हम ये खोलते हैं तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, कॉटिलीडन। कॉटिलीडन का सेकंड नेम है सीड ल्यूज। क्या कहते हैं, सीड ल्यूज। जैसे पत्ते होते हैं तो सीड के भी दो पत्ते होते हैं, है ना। तो आपके घर में कौन कौन से सीड्स हैं, बहुत सारे सीड हैं जो हम किचन में, हमारे किचन में रहते हैं, तो आप ओपन करके देखो, इस तरह का आपका पार्ट दिखेगा। तो जो दो पार्ट्स है उसे क्या कहेंगे, सीड ल्यूज। सीड ल्यूज का सेकंड नेम कॉटिलीडन, है ना, ये बेबी प्लांट होता है ना। बेबी प्लांट का सेकंड नेम अभी बताया था क्या है, एम्ब्रियो। क्या है, एम्ब्रियो, इसे कहते हैं एम्ब्रियो। और ये क्या है, कॉटिलीडन। ओके तो दो आपको और बताए थे, है ना, जैसे हमारे ये इस इमेज में दिख रहा है ना, ये ऊपर का पार्ट, ऊपर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट शूट। रूट शूट का सेकंड नेम है प्लूमूल, एंड सेकंड पार्ट था जो अंदर के साइड होता है उसे कहते हैं रूट शूट रूट। ओके शूट रूट का सेकंड नेम है रेडिकल। तो ये देखिए, ये जो हमारे घर के ही कॉटिलीडन्स होते हैं, सीड ल्यूज होते हैं, सोयाबीन है आपके घर में, राइस का भी सीड है, जब आप खोलोगे तो उसी तरीके का होता है, व्हीट का सीड है। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे, ग्रोविंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 10 सीड्स लगाए तो 10 के 10 भी बाहर आ जाते, कभी कभी क्या होता है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते। डिस्ट्रॉय किन चीज़ों से होते हैं, कभी कभी उसको वाटर अच्छे से नहीं मिलता, सेकंड चीज़ कभी कभी तूफान से वो ख़राब हो जाते हैं, है ना, और कभी कभी जो है खेत में अगर लगाए तो कभी कभी वो एनिमल्स भी खा जाते, इसलिए वो अच्छे से प्रॉपर आ नहीं सकता। मीन्स अगर 10 हमने सीड लगाए तो 10 के 10 कभी आते नहीं, 8 या 9 आते। ओके उसके बाद हमने देखा था जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो चलिए देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की प्रोसीजर क्या है। तो हमने कुछ प्लांट्स देखे थे, है ना, बेबी प्लांट्स देखे थे, तो उसका जो हमारा प्रोसेस है वो कैसे होता है, जब हम सीड लगाते हैं, है ना, जब ये सीड लगाते हैं ज़मीन के अंदर, तो ये जो एम्ब्रियो है, जब हम वो पानी डालते हैं तो पानी के अंदर से जो सीड के अंदर से क्या जाता है, पानी जाता है, फिर ये
इसका जो है ना फूलता है, फूलने के बाद ये प्रोसेस जो है आगे आगे बढ़ती है। ओके नाउ सबसे पहले क्या होता है, द सीड गेट्स वाटर एयर एंड वा, उसको क्या मिलता है, वाटर एयर एंड वा। उसके बाद क्या होता है, सीड कोट ब्रेक, क्या होता है, सीड कोट ब्रेक होता है एंड बेबी प्लांट ग्रो, जो बेबी प्लांट है वो शुरुआत हो जाती है। बेबी प्लांट्स पता है अभी दिखाए थे हमने आपको, रूट्स एंड शूट डेवलप इन अ बेबी प्लांट एंड फॉर्म सीडलिंग और यंग प्लांट। जो आपके रूट है, आपको रूट और शूट बताए थे, जो नीचे का पार्ट होता है उसे रूट कहते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है उसे शूट कहते हैं। डेवलप्स इन बेबी प्लांट एंड टू फॉर्म अ सीडलिंग, क्या कहते हैं उसे, सीडलिंग। नहीं देन प्लांट ग्रो एंड लीव्स डेवलप इन इट, जो है ये लीव्स देख रहे हैं बैकग्राउंड में ग्रीन कलर के, लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उस लीव्स को मीन्स छोटे वाले जो होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, बेबी प्लांट, क्या कहते हैं, बेबी प्लांट। जब बेबी प्लांट ग्रो होता है तो जो कॉटिलीडॉन है, जो अंदर का पार्ट होता है, कॉटिलीडॉन श्रिंक एंड डिसअपियर, फूट जाता है वो और वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है बेबी प्लांट जो हमने अभी देखे थे, इसके बाद के कुछ टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।